अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल माय नेम इज आनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के बारे में पहले भी हमने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा और आइए अब कुछ मजीद इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं मेटल्स पाकिस्तान डज नॉट हैव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मेटेलिक यानी कि पाकिस्तान में मेटेलिक ओर्स की कोई लार्ज क्वांटिटी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हमें मेटेलिक ओर्स की एक बड़ी तादाद दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करनी पड़ती है आयरन बट ऑफ लो क्वालिटी नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग फाइन स्टील आयरन ओर है लेकिन कोल की तरह इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी अब अगर एक और गुड क्वालिटी का नहीं है इसका मतलब है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते और इसी वजह से हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है स्टील इंडस्ट्री हमारे मुल्क की एक बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन आयरन और अच्छा ना होने की वजह से हमें एक बड़ी तादाद में आयरन और इम्पोर्ट करना पड़ता है स्मॉल अमाउंट्स नियर चित्राल बट नॉट बीइंग सीरियसली माइंड अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर की एक स्मॉल अमाउंट चित्राल के करीब मिली है लेकिन उसकी माइनिंग का फिल वक्त कोई प्रॉपर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ स्मॉल ऑफ कॉपर मैगनीज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ बॉक्साइड इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर मैगनीज और बॉक्साइड की भी मिली हैं। अब बात करते हैं स्टील की स्टील एंड सीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड बच्चों मॉडर्न वर्ल्ड में स्टील एंड सीमेंट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट यानी कि ये तकरीबन हर जगह यूज हो रहे हैं अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो मशीनरी यूज हो रही है उसमें भी स्टील यूज हो रहा है और अगर कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो उसमें सीमेंट यूज हो रहा है यानि कि ये दोनों मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। स्टील गुड्स मेक 28% ऑफ़ इम्पोर्ट्स, यानी हमारी इंपोर्ट्स का 28% परसेंट स्टील गुड्स को जाता है अब आ जाते हैं स्टील की प्रोडक्शन पे कुछ भी मारेंगे तो इट विल ब्रेक और इट विल फॉर्म अतना शदीद गर्म होता है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोल्टन आयरन उसके थ्रू हवा गुजारी जाती है टू चेंज इट इन टू स्टील सो दट इम्प्योरिटी गेट बर्नड और ऐसा इसलिए होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो जल जाए आयरन ओर एंड कोल एज रॉ मटीरियल बोथ इम्पोर्टेड अब स्टील की प्रोडक्शन में हमें आयरन ओर और कोल चाहिए लेकिन हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ये दोनों ही हाई क्वालिटी में हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं हैं। अवेलेबल है पर लो क्वालिटी में एंड दे कैन नॉट बी इन स्टील प्रोडक्शन जिसकी वजह से हमें आयरन ओर और कोल दोनों ही इम्पोर्ट करने पड़ते हैं जॉइंट स्टील प्लांट इन कराची कराची में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है उसके इर्द गिर्द भी काफी एरिया इसी चीज को जाता है कि स्टील बनने के बाद बहुत से एरियाज को जाता है द वे इट इज कैरीड एंड इट इज सप्लाइड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड देन देयर इज एन अदर ह्यूज प्लांट इन टेक्सला जो कि चाइनीज की असिस्टेंस से बनाया गया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्पेट्स यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ कार्पेट्स एट्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान यानी के पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की जाती हैं दूसरे मुल्कों को भेजी जाती हैं उनमें कारपेट्स का नंबर एट्थ पे आता है वूल फ्रॉम टफ हार्डी माउंटेन शीप्स और कारपेट्स कैसे बनाए जाते हैं नाउ इट डिपेंड्स कुछ कारपेट्स मुख्तलिफ किस्म के धागों से और और भी चीजों से बनाए जाते हैं लेकिन कुछ कारपेट्स जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं वो शीप की वूल से बनाए जाते हैं टफ हार्डी माउंटेन शीप यानी कि जो पहाड़ों पे चलती हैं और इसके अलावा उन्हीं के इर्द गिर्द रहती हैं दे आर टफ एंड हार्ड उनकी जो वूल होती है वो उनकी बॉडी से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उतार ली जाती है अगर वो नहीं उतारी जाएगी तो शीप के लिए भी प्रॉब्लम होगा इसलिए वो उतारी जाती है और उसको कारपेट्स की मेकिंग में यूज़ किया जाता है बेस्ट वेड बाई हैं कार्पेट्स ओवरऑल ही बहुत सी जगहों पर चाहिए होते हैं इन फंक्शन इन होम्स इन मेनी प्लेसेस इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कार्पेट्स सिर्फ हाथ से बनाए जाए कारपेट्स आप फैक्ट्रीज में भी बनाए जाते हैं लेकिन द बेस्ट वंस जो सबसे अच्छे होते हैं और जो महंगे भी बहुत होते हैं वो अभी भी हाथों से बनाए जाते हैं और इनको बनाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है इसलिए कई लोग मिलकर एक कारपेट बनाते हैं यूजुअली ऐसा होता है कि फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर एक कारपेट बनाते हैं और उनके डिफरेंट डिजाइन होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर यूजुअली ट्रेडिशनल अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की सिक्स्थ इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का नंबर सिक्स है मेड फ्रॉम लोकल वुड एंड लेदर और ये बनाई कैसी जाती है लोकल वुड यानी के पाकिस्तान में ही जो लकड़ी उगती है उसको काटा जाता है उससे बनाई जाती है और इसके अलावा चमड़े से सियालकोट इज द लीडर और पाकिस्तान में जहां पर सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो है सियालकोट बच्चों पाकिस्तान के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहां तक के फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज किया गया है वो भी पाकिस्तान से ही जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर कॉटेज इंडस्ट्री वॉट इज कॉटेज इंडस्ट्री अ स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट विच ओनर एंड हिज आर फैमिली मेम्बर्स रन देम सेल्स बच्चों हमने बात की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जहाँ पे फैक्ट्रीज लगती हैं केमिकल्स बनते हैं स्टील आयरन एंड मेनी मोर लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो यूजली इन्वॉल्व करती है एक फैमिली को दो फैमिलीज को या तीन चार फैमिलीज को जो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती हैं लेकिन होता कुछ यूं है कि फर्ज करें आपके पास कुछ पैसे हैं और आपने एक काम शुरू कर दिया जैसा कि ज्वेलरी बनाना या जैसा कि कपड़े सीना आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो आपने थोड़ा और काम किया अपने इस छोटे से बिजनेस में थोड़े और पैसे लगाए आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आपके कपड़े ज्यादा बिकना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब ज्यादा लोग चाहिए तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को इकट्ठा करोगे और जिन में ये सिलाहियत है कि वो काम कर सकें सिलाई का उनको आप इकट्ठा करके अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लोगे और आपका एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू हो जाएगा दैट मीन्स नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री यूजली यूज मटीरियल्स फ्रॉम देयर ओन लैंड कॉटेज इंडस्ट्री में लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि उनके पास वो मटेरियल हो जिसका उन्होंने बिज़नेस करना है यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जैसे हम मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं होता कॉटेज इंडस्ट्री में कि अब बाहर के मुल्क से कोई चीज़ आ रही हो आपके बिज़नेस के लिए ये छोटा मोटा बिजनेस होता है जिसके लिए चीज़ें अपने मुल्क से ही ली जाती हैं फॉर एन एग्जाम्पल अगर फ़र्ज़ करें आप अंडे बेचते हैं तो आप मुर्गियां अपने घर में ही पालेंगे और उनके अंडे बेचेंगे ग्रेजुअली आपका बिजनेस थोड़ा सा प्रॉस्पर करेगा आप थोड़ी और मुर्गियां खरीद लेंगे और फिर इसी तरह आप कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे कंसिडरेबल स्किल्स एज एम्ब्रॉयडरी डेकोरेटेड शूज ज्वेलरी एक्सेट्रा अब कॉटेज इंडस्ट्री है तो स्मॉल स्केल बिजनेस लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं लगती इसमें आपको अच्छी खासी महारत की ज़रूरत होती है आपने अक्सर देखा होगा बाजारों में जो प्यारे प्यारे ड्रेसेस लटक रहे होते हैं जो लहंगों पे कढ़ाइयाँ हुई हुई होती हैं ये सब कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में होता है इसके लिए बहुत से स्किल्स चाहिए होते हैं बहुत टाइम और मेहनत लगती है ये सब कुछ करने में नॉट ओनली क्लोथ्स ज्वेलरी भी इसके अलावा जो आप प्यारे प्यारे जूते पहनते हैं उनमें से कई हैंडमेड होते हैं उन पे जो एम्ब्रॉयडरी हो होती है वो लोगों ने खुद अपने हाथों से की होती है लोकल नीड्स कॉटेज इंडस्ट्री इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस इसलिए ऐसा नहीं होता कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री में कोई चीज बन रही है तो वो हमारा मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो इतनी ज्यादा अमाउंट में होती ही नहीं है वो इतनी ही अमाउंट में होती हैं कि वो आप अपने मुल्क में या किसी खास इलाके में बेच सको यूजअली बेस्ड इन विलेजेस यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज यूजुअली विलेजेस में ही होती हैं गांव के लोग ऐसा करते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर चीज़ें बना बनाकर शहरों में ला बेचते हैं और जो मुनाफा मिलता है उसे दोबारा चीज़ें खरीद कर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं स्टेट ऑफन सप्लाईज ट्रेनिंग एंड मनी टू स्मॉल वर्कशॉप्स। अब हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो ये कोशिश करती है कि एक तो लोगों को ऐसे स्किल्स सिखाए जाए कि वो घर बैठे थोड़ा पैसा कमा सकें क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को शहर में आकर नौकरी मिल जाए लोग बेरोजगार हो जाते हैं इसलिए इस मसले का एक हल ये भी निकाला जाता है कि छोटी मोटी वर्कशॉप्स सेटअप की जाती हैं और लोगों को स्किल्स सिखाए जाते हैं जैसा कि सिलाई करना सिखाई जाती है और ऐसा भी होता है कि अगर आप बैंक से थोड़ा बहुत लोन लेना चाहो कि मैं लोन लेकर अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारा लोन प्रॉफिट में से वापस कर दूंगा तो इस चीज के लिए भी आपकी स्टेट आपको पैसा देती है कि आप पैसा ले लें बैंक से और उसके बाद जब आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चल पड़े तो आप बैंक को वो पैसा वापस कर दें कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल बिजनेस जरूर है लेकिन स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बहुत से लोगों को रोजगार देता है ऑनिक्स आर्टिकल्स फॉर लोकल यूज एंड एक्सपोर्ट बच्चों अब आपकी बुक में एक ब्लू बॉक्स है इन्फो के नाम से उसमें ओनिक्स आर्टिकल्स का जिक्र है वॉट इज़ ओनिक्स इट इज़ अ स्मॉल स्टोन अजैम स्टोन यूजली ऑफ ब्लैक कलर जो कि बहुत खूबसूरत होता है ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है इसके अलावा भी जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनाए जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है ओनिक्स पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपोर्ट भी की जाती है जिससे बनाई हुई चीज़ें जिसकी बनाई हुई ज्यूलरी डेकोरेशन पीसेस बाहर के मुल्क भी भेजे जाते हैं तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही अब अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज लेकिन क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज करने से पहले आपने ये पिछले लेक्चर्स सुनने हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज करें तो आपको चीजें याद हों आपको फिर से बार बार पीछे जाके ना देखना पड़े बल्कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएं आपको आंसर्स पहले से पता हों इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि आपकी बुक में जो टॉपिक्स गिवन है उस पर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ने की भी कोशिश करें एक्स्ट्रा रीडिंग करें क्योंकि रीडिंग के बगैर स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गो नो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी इन्हांस करती है और आपके जर्नल नॉलेज को भी इम्प्रूव करती है इसलिए प्लीज़ इवन इफ इट मीन्स रीडिंग टू टू थ्री पेजेस डेली रीडिंग किया करें अपनी कोर्स बुक्स के अलावा भी बुक्स पढ़ा करें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज